हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं, बल्कि आपका जो कमेंट है उसी को मैं रिप्लाई करने वाला हूं। और जितने भी कमेंट होगा वो हमारा बॉयलर अटेंडेंट का जो Q&A सीरीज हम लोग डिस्कस किए थे, यानी कि बॉयलर अटेंडेंट इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, उसमें आप लोगों का बहुत कमेंट आया है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, तो आज मैं आपको रिप्लाई प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखिए, आज मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में जगा हूं और अपना मोबाइल का जो डाटा ऑन किया, उसके बाद जो आप लोग का मैसेज हमको मिला, वाकई दिल खुश कर देने वाला था। किसी का मैसेंजर में, किसी का व्हाट्सएप पे, तो कोई यूट्यूब का कमेंट दे करके वाकई मैं दिल खुश हो गया। क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बॉयलर अटेंडेंट के लिए एग्जाम में बैठे थे और वो लोग क्वालिफाई भी कर गए हैं। मुझे वाकई बहुत खुशी हुआ कि आप लोग मुझे मैसेज किए हैं। तो सबसे पहले मुझे मैसेंजर में मैसेज मिला है गोलू सिंह जी का, जिन्होंने सेकंड क्लास पास आउट किए हैं। आपको गोलू जी बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही नॉलेज गेन करते रहिए। आपका जो नॉलेज है अपने कलीग्स को, अपने जूनियर को जरूर शेयर कीजिए। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास कि पहले अटेम्प्ट में आपको, कैसे ही जब आप फर्स्ट क्लास में बैठे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद मनोज नायक जी हैं जिनका फर्स्ट क्लास पास आउट हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई मनोज जी। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपना जो नॉलेज है दूसरे जूनियर को आप शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी फायदा हो, आपका वो नाम लें। बहुत अच्छा लगा। दूसरा है, अब नेक्स्ट है सुधानंद दीवार। सुधानंद दीवार जी, आपने भी फर्स्ट क्लास पास किए हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और नेक्स्ट है पवन निषाद, जिनका बॉयलर अटेंडेंट ये भी पास आउट किए हैं, ये फर्स्ट क्लास किए हैं, सेकंड क्लास किए हैं, इन्होंने मैसेज नहीं किया। तो आपको भी पवन जी बहुत बहुत बधाई। आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपने कलीग्स को अपना नॉलेज शेयर करते रहिए, ताकि सभी को फायदा हो। और देखिए, आप कौन कौन पास आउट हुए हैं प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, मुझे बहुत वाकई बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों से मुझे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आप बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए पास आउट हुए हैं या सेकंड क्लास के लिए पास आउट किए हैं, आपको क्या क्या क्वेश्चन किया गया है, प्लीज आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन कमेंट करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट बैच जो भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए आएंगे उनको बहुत इजी वे से क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन याद है आप लोग मेंशन कर दीजिए, आप किस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं वो सारा चीज यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट बैच के लिए भी। तो चलिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट था। और वंस अगेन आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत खुशी है। तो चलिए, अभी हम लोग कमेंट के ऊपर देख लेते हैं कि आप लोग का क्या क्या कमेंट आया है और उसको मैं रिप्लाई करके देता हूं। तो सबसे पहले कमेंट में है तापस आचार्य जी, रेस्पेक्टेड सर, अगेन यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड दैट प्लीज मेक द वीडियो ऑफ डीएम प्लांट लैब टेस्टिंग प्रोसीडर। तो देखिए तापस जी, मैं अभी डीएम प्लांट पे ही वर्क कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा कोल एनालिसिस का वीडियो चल रहा है। तो जो हमारा डीएम प्लांट का जो लैब टेस्टिंग है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो हम लोग का जो अपलोड हो रहा है उसको देखते रहिए, आपको बहुत जल्द ही लैब टेस्टिंग के बारे में आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट है लिंगराज मिश्रा, इनका क्या है, 500 मेगावाट का प्लांट वाटर केमिस्ट्री का पूरा वीडियो बनाइए सर, आपका वीडियो देखकर बहुत इजीली समझ में आ गया। तो सबसे पहले धन्यवाद लिंगराज जी, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आ जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो वाटर केमिस्ट्री है, मैं उसके लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूं। देखिए 500 मेगावाट हो या 50 मेगावाट हो या जो भी है, वाटर केमिस्ट्री, वाटर एनालिसिस सब एक ही प्रोसीडर है। आपको क्या टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, प्लीज उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। नहीं तो वाटर केमिस्ट्री यानी कि डीएम प्लांट के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे आप जाइए, उस सारा वीडियो देखिए। अगर वहां से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक छूट जा रहा है, तब आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एकदम आपके लिए पार्टिकुलर एक टॉपिक बना दूंगा, वो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है सौरभ सिंह जी का, सर यू आर जीनियस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज मेक अ वीडियो टू गेट इफेक्टिवनेस ऑफ टर्बाइन ऑयल कूलर एंड ट्रबल शूटिंग। तो सौरभ जी, आपका जो टॉपिक है टर्बाइन ऑयल कूलर, बहुत जल्द मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। और इसका जो ट्रबल शूटिंग है, इसको कैसे हम लोग क्लीनिंग प्रोसीडर वगैरह, जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, आप लोग कमेंट किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कमेंट है संतोष सिंह जी का, सर जी बॉयलर में हाइड्रोलिक टेस्ट होने के बाद उसका प्रेशर हमको ड्रेन से रिमूव करना चाहिए या वेंट से?
तो देखिए संतोष जी, हम लोग को वेंट से जो प्रेशर है उसको रिलीज नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सैंपल कूलर जो होता है वहां से पार्सली हम लोग ओपन कर देते हैं, जिससे हमारा प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ही कम रहता है, मतलब जो कंप्रेशन फोर्स होता है वो बहुत कम रहता है। तो आप उसको पार्सियली क्या करेंगे, सैंपल कूलर से खोल दीजिए जब आपका प्रेशर डाउन होने लगे। उसके बाद जब आपका प्रेशर डाउन हो जाता है तो आप ड्रेन ओपन कर सकते हैं वेंट, जब आपका डिजायर्ड प्रेशर आ जाएगा 2 kg/cm², तो उस समय आप वेंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप वेंट से ओपन करेंगे तो क्या होगा, पानी पूरा चारों तरफ छितराएगा, पूरा हाई प्रेशर से निकलेगा, तो आपको पूरे जो सराउंडिंग है आपका, कहीं बेड मटेरियल रखा है, कहीं कूल रखा है, वो सारा भीग जाएगा। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा कि वेंट से खोल करके निकाल सकते हैं। इसका आप समझ गए कि ड्रॉबैक क्या हो सकता है। और बोल रहे हैं कि संतोष जी बोल रहे हैं इसी कमेंट में, और सर सॉक्स नॉक्स का परसेंटेज क्या होना चाहिए? तो देखिए सॉक्स नॉक्स 100 mg नॉर्मल मीटर के कम ही होना चाहिए। इसका 100 जो हम लोग का एनवायरमेंट नॉर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग 100 mg/cm³ से कम, ठीक है। और जो SPM हो, SPM यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, उसका कितना होता है, इसके लिए तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, less than 50 mg/m³ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से निरंजन साहू, थैंक यू वेरी मच सर। सत्येंद्र शर्मा, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोमल महाजन, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। गुलशन कुमार, सर जी PO4 कितना मेंटेन करना चाहिए, यानी कि फॉस्फेट कितना मेंटेन करना चाहिए? तो देखिए फॉस्फेट का जो परसेंटेज होता है वो आपके वर्किंग प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ मान लीजिए जो वर्किंग प्रेशर है वो 64 kg/cm² है, तो आप 8 से लेकर के 12 ppm तक मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका जो वर्किंग प्रेशर है और ज्यादा बढ़े तो थोड़ा सा आपको कम मेंटेन करना चाहिए, यानी कि बिलो 8 मेंटेन करना चाहिए। तो आप ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कमेंट किसका है, मनोज नायक, इनका तो फर्स्ट क्लास निकला है, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई मनोज जी। आप लोगों का जो कमेंट था मैं सबसे पहले निकाल लिया था। और नेक्स्ट कमेंट है शैलेंद्र जाडौन, जो लिखे हैं थैंक यू सर। तो शैलेंद्र का जो कमेंट है ना, मेरे मैक्सिमम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं ये सारे वीडियो को टच करते हैं, सारे वीडियो को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, और आपसे तो मुझे पार्टिकुलर बात भी हुआ है, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपना मंजिल को जल्द से जल्द पाइए। तो चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो सुप्रिया तिवारी, इनका क्या कमेंट है, सर डीएम टैंक के बाद सब पैरामीटर क्यों इंक्रीज हो जाता है, जैसे कंडेंसेट CONDE लिखे हैं। तो देखिए सुप्रिया जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग डीमिनरलाइजेशन करते हैं, यानी कि वाटर का डीएम प्लांट में ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके उस वाटर के अंदर कुछ ना कुछ कंटामिनेंट बच जाता है, कुछ ना कुछ रेसिड्यूअल रह जाता है। और उस वाटर को जब हम लोग बॉयलर में प्रोवाइड करते हैं, बॉयलर में भेजते हैं वहां पे स्टीम बनाने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टीम बनता है वो प्योर वाटर का बनता है, यानी कि जब हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम केवल हमारा वाटर का बनेगा, और उस वाटर के अंदर जो भी कंटामिनेंट होगा, जो भी इंप्यूरिटीज होगा, वो वहीं पे मतलब रेसिड्यू हो जाएगा, वहीं पे छूट जाएगा, वाटर से प्रेसिपिएट हो जाता है। और हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं कि हम लोग का कुछ ना कुछ स्टीम लॉस होता है, जिसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएम ट्रांसफर पंप चालू करके हम लोग वाटर मेकअप करते रहते हैं, डिएरेटर में मेकअप करते हैं ना, यानी कि हम लोग का जो स्टीम जो रिलीज हुआ है, जो हमारा स्टीम लॉस हुआ है, वो प्योर वाटर के फॉर्म में रहता है, और उस स्टीम लॉस के अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है वो आपका कहां पर रह गया, तो बॉयलर पार्ट में ही रह गया है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, डीएम वाटर मेकअप करते रहते हैं, और जो प्योर वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में जो हमारा इवोपरेट, मतलब जो भी हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, वेंट लॉस या कभी स्टार्टर वेंट वगैरह खोल दिए, वो सब लॉस जो भी होता है, सेफ्टी कभी मार दिया, वो सब लॉस जो होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो प्योर वाटर है वो निकलते रहता है, और उस वाटर के अंदर जो भी कंटामिनेंट है वो आपका बॉयलर पार्ट में रुका रहता है, जिसके वजह से हम लोग का एक दिन में नहीं होता है ये सब चीज, पैरामीटर हमारा एक दिन में नहीं बढ़ता है, बल्कि धीरे धीरे इसका अक्यूमुलेशन होता रहता है, इंप्यूरिटीज का अक्यूमुलेशन होता रहता है, और फाइनली आप कुछ दिन बाद देखेंगी जब आप टेस्ट करेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर कंटामिनेंट बढ़ गया है, यानी सिलिका बढ़ गया है, इंप्यूरिटीज जो भी आपका TDS वगैरह है, कंडक्टिविटी वगैरह है, ये सारा चीज बढ़ गया है। तो ये रीजन होता है, इसका रीजन यही हो गया कि जब हम लोग वाटर को गर्म करेंगे, स्टीम बनाएंगे, तो प्योर वाटर का स्टीम बनता है, और उस वाटर जो स्टीम बन गया उसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है वो वहीं पे रुक जाता है, तो हमारा जो लॉस होगा वो स्टीम का जब लॉस होगा तो जो इंप्यूरिटीज है वो आपका वहीं पे छूट जाता है, जिसके चलते आपका इंप्यूरिटीज का एक्यूमुलेशन होते रहता है। पवन निषाद, आप पास कर गए, आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। नेक्स्ट है हितेश पंचाल, सर डिगेसर टावर RO के बाद क्यों होता है,
उसको आरओ से पहले क्यों नहीं होता, प्लीज शेयर टेक्निकल आंसर। ठीक है, आरओ के बाद हम लोग डिगेसर को क्यों लगाते हैं, पहले क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए क्या हितेश जी, आरओ से पहले हम लोग इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि आरओ से पहले जो वाटर होगा उसके अंदर साल्ट के फॉर्म में इंप्यूरिटीज रहेगा, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम का सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब चीज मौजूद रहता है और ये इतना स्ट्रांगली रहता है कि आप डिगेसर में इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको आप यहां पर ब्रेक नहीं कर सकते हैं डिगेसर में, क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्ड रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको आरओ से पास आउट करवाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहां पे क्या होता है कि जितने भी आयन्स है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग का आरओ से पानी निकलता है तो आप देखे होंगे कि हल्का सा इसका पीएच डाउन मिलता है, यानी कि आरओ इनलेट में अगर पीएच आपका 7 है तो आरओ आउटलेट में उसका पीएच क्या हो जाता है, थोड़ा सा डाउन होता है, 6 ही मिलेगा। इसका मतलब कि जो आरओ आउटलेट से जो पानी निकलता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो जो आपका यहां पे जितने भी प्लस आयंस माइनस आयंस था यानी कि साल्ट के अंदर, वो सब चीज मैक्सिमम ट्रैप होता है, लेकिन कुछ क्या होता है इसके साथ पास आउट हो जाता है, जिसके चलते क्या होगा, थोड़ा सा एसिडिक फॉर्म में वाटर मिलता है। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि डिगेसर के अंदर क्या किया जाता है कि जो कार्बोनिक एसिड है उसको रिमूव किया जाता है, यानी कि H2CO3 जो होता है, जैसे कि हम लोग यहां पे इसमें डिस्कस किए हैं शायद, H2CO3 जो है H2O + CO2 बना लेता है। तो एसिडिक ये जो होता है ना, जब हमारा डिगेसर में आता है, अगर आप पहले लगाएंगे डिगेसर पहले लगाएंगे तो ये चीज वहां पे नहीं मिलेगा वाटर के अंदर, तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको कार्बोनेट है ये सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ बॉन्ड रहेगा, तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आरओ के बाद लगाते हैं या एसएससी के बाद लगाते हैं, क्योंकि एसएससी से भी क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव आयन है वो ट्रैप हो जाता है, तो हमारा जो पानी निकलता है वो एसिडिक रहता है। एसएससी से जो हम लोग का पानी निकलता है ये वाला, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। इसके वजह से हम लोग वहां पे लगाएंगे जहां पे हमारा जो पानी है उसके अंदर ये जो हम लोग का कार्बोनिक एसिड है वो मौजूद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया कि हम लोग पहले क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगाएंगे कि जो भी हमारा वाटर के अंदर साल्ट है वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, उसको ब्रेक करने के लिए उसके अंदर जो प्लस आयन है उसको आपको मतलब उसको वीक करना पड़ेगा। जब हम लोग उसको पास आउट करवाते हैं तो हम लोग को पानी के अंदर ये चीज मिल जाता है, कार्बोनिक एसिड मिल जाता है, जिसको हम लोग इजिली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उपेंद्र राउटा, एक्सट्रीमली हेल्पफुल वीडियो सर जी, थैंक यू सो मच। और देखते हैं नेक्स्ट किसका है, अमीर अन्ना भाई, आप भी मुझे हर वीडियो में कमेंट करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका कमेंट क्या है कि सर ड्रम में पीएच 8 से लेकर के 8.5 ही रख सकते हैं, है ना? ठीक है, तो टीएसपी डाल के क्यों बढ़ाते हैं पीएच को? डीएम वाटर में कितना है पीएच उतना ही ड्रम में मेंटेन कर सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें अमीर जी कि जब हम लोग वाटर को गर्म करते हैं, जब वाटर को गर्म करते हैं तो उसमें से जो इम्प्यूरिटीज है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है, जिसके चलते वाटर का जो पीएच है वो डिक्रीज होता है, यानी कभी भी आप वाटर को गर्म करेंगे तो उसका पीएच डिक्रीज होता है। तो अगर आप मान लीजिए 8.5 दे रहे हैं पीएच, अगर गर्म करेंगे तो ये तो एसिडिक फॉर्म में आने लगेगा, इसका पीएच डिक्रीज होगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग टीएसपी डालते हैं कि इसका पीएच मेंटेन करें। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा पीएच कम है तो एसिडिक फॉर्म में रहता है, अगर पीएच ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एल्केलाइन, यानी कि अगर हम लोग फॉस्फेट जो है ट्राइसोडियम फॉस्फेट इतना भी ज्यादा नहीं डाल देंगे कि ये एल्केलाइन हो जाए और हमारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो जाए, या हम लोग इतना भी अगर नहीं डालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब गर्म करेंगे तो उसका पीएच डिक्रीज होगा, तो आप जो 8 दे रहे हैं या 8.5 दे रहे हैं तो इसका पीएच आपका 7 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग गर्म करेंगे पानी का पीएच डिक्रीज होता है, उसके अंदर से इंप्यूरिटीज रिमूव होगा तो वो पीएच डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हम लोग को पीएच मेंटेन करने के लिए टीएसपी डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यही एक रीजन है। नेक्स्ट है लिंगराज मिश्रा, सारा केमिकल रिएक्शन अगर बता दें बड़ा अच्छा रहता सर जी। जरूर बताएंगे भाई, मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा। रॉबिन कुमार, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। विनोद कुमार, थैंक सर। शिवा सर प्लीज मेक वीडियो ऑन सिलिका टेस्ट। तो देखिए ये डीएम प्लांट से रिलेटेड है शिवा जी, बहुत जल्दी आपको सिलिका टेस्ट का भी वीडियो अपलोड मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। अब नेक्स्ट है श्यामू कैवट सर, थैंक्स सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। नेक्स्ट कमेंट किए हैं टू द पॉइंट ऑजम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।
टेक्नो, इनका कमेंट है गुड सर यू आर ग्रेट, थैंक्स। रोहित कुमार वेरी नाइस सर, थैंक यू। राजेश चंद्र पांडे कंडक्टिविटी यूनिट इज नॉट इन पीपीएम प्लीज करेक्ट। अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद राजेश चंद्र जी, आपको बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी का पीपीएम लिख दिया हूं, एक्चुअली मैं फ्लो में लिख दिया, यहाँ पे माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। आपको वाकई बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सभी के लिए मतलब अच्छा लगा कि आपने ये चीज बताया। तो इसका जो होता है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर, प्लीज आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है यशवंत परिहार, गुड इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वीडियो का कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो का कमेंट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। सेकेंड वीडियो का देखते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट कमेंट हमें मिल रहा है यसीर शाहजाद, सर योर वे ऑफ डिलीवरिंग इज एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच यसीर जी, वेल डन सर, मे यू लाइस लिव लॉन्ग होगा है ना, आई हैव गेट अलॉट फ्रॉम योर लेक्चर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट कमेंट है नीरज कुशवाहा जी का, सर बॉयलर अटेंडेंट का फॉर्म कैसे भरा जाता है, फुल डिटेल एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है नीरज जी, मैं जरूर कोशिश करूंगा, आपको जल्द से बना दूंगा। नेक्स्ट है यशवंत सुरेश परिहार, इन्होंने मैसेज क्या किया है, सर एमएसएसवी कितना प्रेशर आने पर ओपन करते हैं। तो देखिए जब आपका बॉयलर के मतलब वर्किंग प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जब आपका मान लीजिए 64 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके यहाँ है, तो जैसे आपका 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आ जाए तो आपको एमएसएसवी का जो बाईपास है उससे लाइन चार्ज कर देना है, और जब आपका लाइन फुली चार्ज हो जाएगा इधर आपका प्रेशर बढ़ते रहेगा। ठीक है, जब आपका 60 केजी तक प्रेशर आ जाता है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं और एमएसएसवी बाईपास को बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आशुतोष कुमार पांडे, सर सुपर्ब प्लीज कंटिन्यू इट्स, थैंक यू, जरूर मैं कंटिन्यू करूंगा, मेरा यही कोशिश रहेगा। नेक्स्ट है उच्छव स्वाई, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबर नेक्स्ट कमेंट है प्लीज मेक वीडियो ऑन एसपी एंड एक्यूसी बॉलर, जरूर बाबर जी मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्द है प्रोवाइड कर दूं, मेरा जब वाटर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। घनश्याम वर्मा, ये भी मेरे वीडियो पे हर एक कमेंट करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। सुपर एक्सप्लेन सर, सर बीओई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दीजिएगा, बनाइएगा, जरूर बनाऊंगा, जैसे ही अगर आएगा तो मैं जरूर आपको ये प्रोवाइड करूंगा। अमीर अन्ना इस वीडियो में भी कमेंट किए हैं, सुपर एक्सप्लेनेशन सर जी, सुपर, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जायडॉन भी इसमें कमेंट किए हैं, गुड इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू शैलेंद्र। निशिकांत सथवाने सर जी, डी सुपर हीटर एंड अ टेम्परेटर में क्या फ्रेग्रेंस है, देखिए यार फ्रेग्रेंस लिखे, फ्रेग्रेंस मतलब महक होता है एक्चुअली, ये डिफरेंस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो देखिए डी सुपर हीटर और टेम्परेटर दोनों एक ही चीज होता है, टेम्परेचर को, सुपर हीटर का टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है, यही है इसका, हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं इसके बारे में। मोनेन्द्र साहू इनका है, सर बी एफ जी बॉलर का कुछ बताइए, जरूर बताऊंगा, इसके लिए भी वीडियो आपको बताऊंगा। विकास कौशिक सर फर्स्ट क्लास का बता दीजिए, तो फर्स्ट क्लास, अच्छा ये पहले का कमेंट है ना, मैं वीडियो बहुत सारा अपलोड कर दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। स्वाति पवार सर कंडेंसर ट्यूब लीक केज के बारे में बताएं, जरूर बताऊंगा स्वाति जी, मैं इसके लिए कुछ पिक्स भी कलेक्ट कर लिया हूं, आपको जल्द ही इसको वीडियो मैं बना दूंगा, आप वेट कीजिए, ऐसे ही मैं हमारे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट कमेंट है सचिदानंद सिंह, ये वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर, इनका जो एज है ना, हमको एक बार कमेंट किए थे, इनका एज बहुत ही ज्यादा है, 50 प्लस है, और ये मेरे हर एक वीडियो में कमेंट करते हैं, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो में मतलब कि छोटे से लेकर के बड़े लोग देखते हैं, मुझे वाकई अच्छा लगता है, और जो मेरे अंदर गलती होता है वो लोग प्रोत्साहन देते हैं मैसेज के थ्रू कि चंदन तुम्हें ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो सर जी आप लोग बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, और बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट कमेंट है अब्दुल नासिर, गुड इवनिंग, गुजरात में बीओई का एग्जाम के भी है, ये तो समझ, इसका तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है भाई। स्वाति पवार सुपर्ब सर, थैंक यू। जाहिद अली आई लाइक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है शंभू केवट, 23/9 को एग्जाम मेरा है, मेरा
आज बना दो वीडियो सर जी फर्स्ट क्लास का। तो कैसा रहा एग्जाम शंभू, आप प्लीज अपना बताइए। मैं तो वीडियो अपलोड कर ही दिया हूँ आपको, वीडियो आपका एग्जाम से पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, आपका ये कमेंट देखा था, तो कैसा रहा आप जरूर बताइए। नेक्स्ट कमेंट है सतीश सिंह, नाइस। एमडी हमीद इस्लाम, नाइस। नेक्स्ट कमेंट है पतिदार डीप, ईटीपी प्लांट क्यू एन ए वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई, एकदम ईटीपी मेरा वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, इस पे जरूर बनाऊंगा। आप लोग ईटीपी को बहुत पसंद किए, 2 महीने के अंदर 1 लाख आप लोग व्यू लाए, मैं जरूर बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट है, मैं इसको भी एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, या जो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं जो भी आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का जिसका भी एग्जाम हुआ है, वो लोग अपना जो कमेंट है जरूर दीजिए कि किसका किसका निकला है, और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज आपको जो भी क्वेश्चन याद होगा उसको आप यहाँ पे कमेंट में राइट डाउन कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ हम लोग जो डिस्कशन किए आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और भी जो भी आपका कमेंट आएगा मैं इसी तरह से आपको कमेंट का रिप्लाई करते रहूंगा। तो चलिए धन्यवाद।